बड़ी खबर, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर के परपोते राजरत्न अम्बेडकर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा है। उन्होंने आरएसएस को आतंकवादी संगठन बताया है। राजरत्न अम्बेडकर ने कहा कि मैंने कहा था कि आरएसएस भारत का आतंकवादी संगठन है, इस पर तुरंत पाबंदी लगाई जाए। न्यूज एजेंसी ANI द्वारा जारी वीडियो के अनुसार राजरत्न ने कहा कि एक साध्वी प्रधानमंत्री के पास बैठती है और कहती है कि जब भारतीय सेना के हथियार और गोला बारूद खत्म हो गए तो आरएसएस ने उन्हें मुहैया कराया। उन्होंने सवाल किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हथियार और गोला बारूद कैसे मिला। देखिए वीडियो में उन्होंने आगे क्या कहा। पाकिस्तान का वीडियो देखा होगा, वहां पर भी मैंने कहा कि आरएसएस इंडिया का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसको बात कर रहा हूं और मेरे पास सबूत है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बगल में एक साध्वी बैठी है और वो इंटरव्यू में कहती है कि इंडियन आर्मी के पास जब बारूद खत्म हो गए, जब गन खत्म हो गई, जब पूरा आर्म्स एंड एम्युनेशन खत्म हो गया, तब आरएसएस ने वो एम्युनेशन, वो बारूद, वो बम इंडियन आर्मी को दिया। इसका मतलब आरएसएस के पास इतना बम कहां पर है, इतना दारू गोला कहां से आया, इतनी गोलियां कहां से आई, इतने बंदूकें कहां से आए। प्रधानमंत्री के बाजू में बैठकर ये साध्वी इस तरह की स्टेटमेंट करती है, जिस घर में अगर बारूद पाया जाए तो क्या वो घर या घर का लड़का टेररिस्ट नहीं कहा जाएगा? तो जिस संगठन के पास इतना बारूद है तो क्या वो संगठन आतंकवादी संगठन नहीं है? आतंकवादी संगठन नहीं है। इनके लोग आज आतंकवादी कृत्य में पकड़े जा रहे हैं। ऐसे संगठनों को विश्व में से बैन लाने की जरूरत है। वो काम हम कर रहे हैं। मैंने ईवीएम के खिलाफ